चलिए पहले हम यहाँ पर केकेआर के जीत के कारणों की बात जो है ना वो कर लेते हैं। और जीत के कारणों की जब केकेआर की बात करेंगे तो रिंकू और राणा इनकी जो जोड़ी थी उन्होंने कमाल किया। जो सपने संजो के उतरी थी सीएसके की टीम के अपने टारगेट को डिफेंड कर लेगी, बॉल जो है स्पिन हो रही है, कलाबाजियां जो है वो खा रही है गेंद, वो सारी कारीगिरी जो है धरी की धरी रह गई रिंकू सिंह के और साथ में नीतीश राणा, उन दोनों के आंकड़े आपके स्क्रीन पर दिखाते हैं किस तरीके का प्रदर्शन उन्होंने इस मैच में किया है। बिल्कुल सही बात है, चलिए इनके आंकड़े देखते हैं। सबसे पहले रिंकू सिंह ने रन बनाए हैं 54, गेंद इन्होंने 43 ली है, 4 चौके मारे हैं, 3 छक्के मारे हैं, स्ट्राइक रेट इनका 225 का रहा है। हमेशा की तरह आज भी इनका उम्दा प्रदर्शन रहा है और आज तो इन्होंने बहुत समझदारी से खेला है, आज थोड़े ठहराव के साथ भी खेला है, अच्छा खेले और टीम जीत भी गई तो अच्छा लगता है जब आप अच्छा खेलते हो टीम जीत जाती है। लेकिन आज इनका बखूबी साथ दिया है कप्तान नीतीश राणा ने, तो आज इनको भी बल मिला और उन्होंने भी अपना अर्धशतक आज पूरा कर लिया। 57 रन पे नाबाद रहे हैं नीतीश राणा, गेंद उन्होंने 44 ली है, 6 चौके मारे हैं और 6 चौके मारे और 1 छक्का लगाया, स्ट्राइक रेट इनका 129 का रहा है। और दोनों ने जिस तरीके से एक साथ खेलना शुरू किया और जो केमिस्ट्री दिखाई दे रही थी वो बहुत अच्छी थी, अगर वो केमिस्ट्री बेहतरीन हो जाती, अगर एक गलती ना हो गई होती कुणाल। बिल्कुल, वो जो शतक था ना, दोनों मिलके शतक पूरा करने वाले थे, वो शतक रह गया, यानी कि साझेदारी जो थी ना वो 99 रनों की हुई है इन दोनों के बीच में। और मेरे ख्याल से 77 गेंदों पे ये जो है साझेदारी हुई है और काफी इंपॉर्टेंट जो है ये पार्टनरशिप रही 99 रनों की इन दोनों के बीच में। जो मैच सीएसके की मतलब जद से या सीएसके के रीत से बाहर ले गए और केकेआर को एक आसान एक बड़ी विक्ट्री, 6 विकेट से विक्ट्री, बड़ी विक्ट्री कही जाएगी T20 मैच के अंदर, एक बड़ी विक्ट्री जो है केकेआर को यहां पर मिल गई। जहां तक बात रिंकू सिंह की है तो 39 गेंदों में इन्होंने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली थी और 54 रन इन्होंने टोटल बनाए हैं। रिंकू का ये तीसरा अर्धशतक है इस सीजन। वैसे अगर आप देखें ना रन चेजेस के अंदर, अगर रिंकू सिंह की बात करें तो रन चेजेस में अगर हमने वो आंकड़ा निकाला नहीं है, लक्ष्य का पीछा करते हुए रिंकू सिंह के आंकड़े गजब के हैं इस सीजन में। मतलब आप ये कह सकते हो कि एक और फिनिशर इन मेकिंग जो है वो रिंकू सिंह बनते चले जा रहे हैं। और जिस तरीके से फिनिशर की बात की वो तो आपने बेहतरीन मतलब सही बात बोली, लेकिन जिस तरीके से केकेआर के जो ऊपर के बैट्समैन है जो चलते नहीं है तो फिनिशर से कहीं ज्यादा रोल निभाना पड़ जाता है उनको। हाँ, कई बार निभाना पड़ता है और निभाया उन्होंने। 4 बार तो नाबाद रहे हैं जी, वो 4 बार नाबाद रहे हैं, 3 उन्होंने अर्धशतक बनाए हैं, उसके अलावा कुछ 40s की उन्होंने पारियां खेली हैं जिनकी हम जिनको काउंट करो। और इसमें अच्छी बात यह है कि रजनीकांत से उन्होंने बात की थी और रिंकू सिंह ने किया क्या, रजनीकांत से हौसला अफजाई मिली, उन्हीं के शहर में आके उन्हीं की टीम को जो है रिंकू सिंह ने हरा दिया, सीएसके को हरा दिया। और रिंकू को ना सीएसके की टीम वैसे पसंद है क्योंकि ये रिटर्न फिक्स्चर मैच था। जो इससे पहले मैच हुआ था सीएसके से इन गार्डन्स पर, वहां पर भी रिंकू सिंह ने नाबाद 53 रनों की पारी खेली थी अगर मैं गलत नहीं हूं तो, और वहां पर रिंकू जीत नहीं दिला पाए थे, यहां पर जीत दिला। वो रन आउट हो गए, अनफॉर्चुनेट था, नहीं तो वो अपने कैप्टन के साथ मिलके वो 100 रन पूरे कर लेते और वो एक अच्छा जेस्चर होता है, एक अच्छी बात होती। जहां तक बात नीतीश राणा की है जी, 38 रनों पे इन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया, इनका भी इस सीजन का तीसरा अर्धशतक है। तो राणा जी चले और राणा जी थोड़ा सा लेट चले, ठीक है। वही मैं कह रही हूँ, आज जो साझेदारी, आज जो केमिस्ट्री दिखी, अगर ये शुरू से दिख गई होती एक दो मैचेस में भी तो कहीं का कुछ हो सकता था। बिल्कुल कुछ हो सकता था। चलिए, मगर केकेआर देर आई, अब दुरुस्त तो नहीं कह सकते, मगर चलो आ गई, अब आके बहुत लोगों की पार्टियां खराब कर सकती है, ठीक है। सीएसके को तो फंसा ही दिया है, अब सीएसके के पास एक मैच बाकी है, जैसे हमने आपको बताया उनको वो जीतना ही जीतना है, मगर केकेआर ने कमाल का प्रदर्शन किया। ये जीत का पहली वजह तो थी वो केकेआर की, वो ये थी कि उनकी जो पार्टनरशिप थी बल्लेबाजी में कैप्टन और रिंकू सिंह की, दोनों एक मिडल ऑर्डर का बैट्समैन एक फिनिशर, उन्होंने मैच जो है जिता दिया केकेआर को।